हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गुलाब की एकदम ऐसी नई रेसिपी जिसे पीकर मजा तो आएगा लेकिन इसके बेनिफिट हजार हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं क्योंकि इससे अपनी दूर होने वाली है स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ। गुलाब की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने छोटी साइज के यहाँ पर गुलाब लिए हैं। आपको ऐसे वाला रोज नहीं लेना है जो बड़ी साइज का होता है, ये डेकोरेशन या किसी को रोज डे पे ये देने के लिए होते हैं, ये सजावट के लिए होते हैं। तो ये इनसे रेसिपी नहीं बनती है। छोटी साइज के आपको पिंक वाले रोज लेने हैं। तो ऐसे पत्तियां तोड़ लेने से बिल्कुल साफ क्लीन पत्तियां टूटती है। और ये सारा मेजरमेंट एक गिलास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर अपन रोज की पत्तियां डालेंगे। मिक्सी के जार में दो गुलाब की पत्तियां ले रही हूँ मैं। यहाँ पर दो ही गुलाब लिए हैं एक गिलास में। और यहाँ पर एक चम्मच शक्कर हो तो शक्कर, वरना आप इसकी जगह मिश्री लीजिएगा, ये और ज्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मिश्री मेरे पास है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर शक्कर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। आपके पास ठंडा दही हो तो ठंडा दही ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ठंडा दही लिया है। अगर आप ये चीज ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हो तो आइस भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है ये सारी जो क्वांटिटी है अपन एक गिलास के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। अभी इसमें मैं पानी मिक्स नहीं कर रही हूँ, अभी इसे फेंट लेंगे एक बार। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसे बारीक पीस लिया है, इसे छानेंगे वगैरह नहीं। गुलाब का ही इसमें कलर हो गया है पिंक, एक्स्ट्रा कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पर ये देखिए मैंने प्लेट लगाई है, एक गिलास लेंगे और यहाँ पर तीन चार फ्लेवर ऐड कर देंगे गुलाब के। और ये देखिए इसमें ये मैं बिल्कुल गाढ़ी कंटेंसी का बनाई हूँ जैसे मैंने बताया था आपको। जार में इसमें अपन थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। चाहो तो बिल्कुल गाढ़ी कंटेंसी का भी कर सकते हो और थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला सकते हो। पानी को और इस दही को और एक दो गुलाब की पत्तियां इस पर ऐसे रखेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स साइड में लगा देंगे। ये लीजिए इसकी डेकोरेशन भी तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स भी लग गए हैं और अपनी ये टेस्टी सी गुलाब की लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके पीने के बहुत सारे फायदे हैं। चेहरे पे कोई भी कील मुहासे हो आपके या स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, एलर्जी हो, सर्दियों में आपकी स्किन फटती है, तो आपको डेली एक गिलास रोज की लस्सी अगर आप पीते हैं तो स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती है। इससे क्या है खून साफ हो रहता है, खून साफ रहेगा तो अपनी जो स्किन है वो भी चमकदार ग्लो करेगी। तो आपको रात को इसे नहीं पीना है, आफ्टरनून में पी सकते हो और सुबह आप इसे पी सकते हो। मैंने बनाने का सही तरीका, पीने का टाइम, ये सब कुछ आपको बेनिफिट ये सब कुछ आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।